दिक्कत हो रही थी आज, पर फिर भी ठीक है, सेटिस्फाई है रिजल्ट से, वर्ल्ड लीड थ्रो लगी आज तो। और काफ़ी कॉम्पिटिशन है अगले महीनों में, तो अच्छा करेंगे वहाँ पे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट थ्रो होता है, सेकंड थ्रो होता है, एथलीट्स कहते हैं, हमें फील हो जाता है कि फील्ड में क्या होने वाला है। क्या आपको उस तरह से कोई फीलिंग आई थी? नहीं, क्योंकि कभी भी कंपटीशन चेंज हो सकता है, तो मैं लास्ट थ्रो तक काफ़ी फोकस्ड था और लास्ट थ्रो में मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ जब मैंने थ्रो किया। मुझे लगा कि आज की बेस्ट थ्रो गई है, पर हवा की वजह से मतलब वही जैसे मुझे फील हो जाता है कि हाँ आज अच्छी थ्रो गई है, पर हवा की वजह से आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर भी जो भी थ्रो लगी है मैं काफ़ी खुश हूँ। ठीक है, एक लास्ट सवाल, आपको हर वक्त 90 का पूछा जाता है, क्या वो एक प्रेशर बन जाता है? क्या आपको फीलिंग आती है कि चलो मैं बेस्ट होगा कि पोडियम ले लूँ, 90 बाद में देखेंगे? नहीं, पता क्या, कई बार ऐसी कंडीशंस होती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे चार थ्रोवर 90 मीटर प्लस के थे और ऑलरेडी 3-4 थ्रोवर 89 प्लस के थे, तो काफ़ी चैलेंजिंग था उनके लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि भाई, कई बार कंडीशन इतनी टफ होती है कि हम कोशिश सभी करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। तो मैं वही मानता हूँ कि जो टफ कंडीशंस में जो पोडियम पे पहुँच जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई बात नहीं, अभी पहला कंपटीशन था इस साल का, तो अभी काफ़ी कंपटीशन हमारे पास, तो अच्छा करेंगे। नीरज, आप बीच बीच में अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ बात हो रही थी जी, छोटी छोटी बातें हो रही थी, कैसी बातें होती है ऐसे टाइम? बस सर, वही होता है कि जब एक दूसरा, जब भी अच्छी थ्रो लगाता है तो हम एक दूसरे को कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। जब मैं अच्छी थ्रो करता हूँ, जब वो सभी आते हैं, तो ये आपस में चलता है, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है सभी एथलीट्स की यहाँ पे। तो बस वही होता है सर, काफ़ी अच्छा लगता है आपस में खेलते। और आपको कब लगा क्या जीत जाओगे? सर वैसे लास्ट थ्रो जब तक कन्फर्म नहीं हो जाता पोजिशन, जब तक नहीं मानते, क्योंकि थ्रो ऐसी थी कि भाई काफ़ी 6-7 थ्रोअर्स ने इस थ्रो से ऊपर थ्रो कर रखी थी ऑलरेडी, पर कंडीशन काफ़ी आज मुश्किल थी, तो वही था कि वो चैलेंजिंग था। बाकी तो थ्रो तो ये है कि काफ़ी और अच्छी लग सकती थी। तो मुझे 88 जब आप पहला थ्रो फेंके, सीजन लीड मिल गया था आपको, जब आपके मन में क्या था कि और बेहतर करना है कि ये अच्छा हो गया? नहीं सर, मन में तो बिल्कुल ये था कि और अच्छा करना है और हो सकता है, पर वही है कि काफ़ी मुश्किल था सर। मैंने कोशिश भी की पूरा जेवलिन के पॉइंट पे थ्रो करूं, और कुछ थ्रो में हुआ भी, लेकिन वही है कि कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पहली बार, इतनी तेज़ हवा में पहली बार ऐसे खेल रहा हूं, क्योंकि यहां पे दोहा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड होती है। पिछली बार दूसरी साइड से था तो वो थोड़ा आसान होता है हमारे लिए, क्योंकि यहां से हम स्पीड में भाग नहीं पाते और सही से एक लाइन में थ्रो नहीं कर पाते, तो वो कंडीशन थोड़ी चैलेंजिंग थी। बाकी तो सही है, सही फील हो रहा है कि हाँ, बूढ़ी अच्छी फील कर रही थी, पर वही कंडीशंस की वजह से हम अपना बेस्ट कर नहीं पाते कई बार। डायमंड लीग के अलावा आपका क्वालिफिकेशन कहीं का हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप?